केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया ब्लॉक के दलों में कोई फैसला नहीं हो सका। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घाटी के तीनों सीटों पर दावा किया है। कांग्रेस चाहती है कि एनसी दक्षिण कश्मीर सीट महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के लिए छोड़े। यहां से एनसी के हसनैन मसूदी सांसद हैं, पीडीपी दक्षिण कश्मीर सीट अपने लिए चाहती हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी कश्मीर की तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वह जम्मू क्षेत्र की दो और लद्दाख की एक सीट पर बातचीत करना चाहती हैं। उमर चाहते हैं कि कांग्रेस जम्मू की दोनों सीटों पर लड़े। एक महीने में कांग्रेस एनसी और पीडीपी के नेताओं की कई बैठकें हो चुकी हैं पर बात नहीं बनी। फारूक ने पार्टी नेताओं से चर्चा में कहा कि अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार रहें, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विकरार रसूल ने कहा हमें उम्मीद है कि जल्द ही सीट बंटवारे का समझौता हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कुल 5 सीटें हैं, 3 कश्मीर घाटी और 2 जम्मू क्षेत्र की हैं। फारूक अब्दुल्ला के 15 फरवरी के ऐलान के बाद उनके पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मुश्ताक बुखारी भाजपा में शामिल हो गए। मुश्ताक प्रमुख पहाड़ी नेता हैं। उन्होंने कहा केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में पहाड़ी जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से खुश होकर वे भाजपा में शामिल हुए। जम्मू में भाजपा मुख्यालय पर का प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने स्वागत किया।